हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक अलग डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ आज मैं आपके लिए। उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वो रिटेल इन्वेस्टर को फंसा लेते हैं और उनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब उन्हें हम डिफीट कैसे कर सकते हैं ताकि हमें उनसे हम बच के इजीली निकल जाए। क्योंकि उनके चक्कर में होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर अपने पैसे सारे गवा देते हैं, ओके, और फिर एग्जिट कर लेते हैं शेयर बाज़ार से और फिर कहते हैं कि शेयर बाज़ार बहुत बेकार है, ओके। वो अपनी गलती की वजह से फंसते हैं, वो डर की वजह से फंसते हैं, वो उनका फ़ायदा हर टर्म में उठाते हैं। वो छोटे स्टॉक्स में उनका फ़ायदा उठाते हैं, वो बड़े स्टॉक्स में उनका फ़ायदा उठाते हैं, वो बेकार स्टॉक में उनका फ़ायदा उठाते हैं, वो अच्छे स्टॉक्स में उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो आइए उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो आइए सीधे शेयर की तरफ चलते हैं। तो आइए पहले ऑपरेटर क्या होते हैं, पहले ऑपरेटर की एक डेफिनेशन होती है, ओके, उसे जान लेते हैं होते क्या है। तो देखिए, वो इज ऑपरेटर इन स्टॉक मार्केट, ओके, स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं हम। स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स आर मार्केट पार्टिसिपेंट, वो फॉर्मर्स इंडिकेट टू मैनिपुलेट स्टॉक प्राइस फॉर पर्सनल गेन। इट इज़ यूजुअली एक कार्टल ऑफ ब्रोकर्स, स्पेकुलेटर्स एंड समटाइम्स इवन कंपनी इनसाइडर। तो होते क्या है, सिंपल हिंदी भाषा में मैं आप बताऊँ आपको, तो वो पार्टिसिपेंट होते हैं, ओके। अगर हम बात करें कि एक शार्क मछली होती है, एक बड़ी मछली होती है जिनके पास जो छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर की बात की जाए तो एक बड़े बड़े लोग, मतलब जिनके जो वेल्दी है, जिनके पास बहुत सारा पैसा, अथाह पैसा है कि वो मार्केट को कभी भी नीचे ले आते हैं, वो मार्केट को कभी भी ऊपर ले आते हैं। तो इस तरीके के लोग होते हैं, ओके, जो खुद के पर्सनल गेन के लिए, क्योंकि वो मार्केट को नीचे छोटे शेयर को पैसा डाल के ऊपर ले जाएंगे और फिर वहाँ से बेच देंगे, और हम लोग होते हैं ऊपर खरीद लेते हैं और फिर हम वहाँ पर फंस जाते हैं और फिर नीचे की तरफ वो शेयर को डंप कर देते हैं, और कब ऊपर जाएगा कब नहीं जाएगा शेयर, हम तो फंस गए। तो रिटेल इन्वेस्टर इस तरीके से फंस जाते हैं। तो होता क्या है कि ये बड़े लोग होते हैं जो कि शेयर बाजार में, जो उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, और वो इस तरीके से मैनिपुलेट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट को, स्टॉक प्राइजेस को, ओके। तो होते कौन है ये, मोस्टली तो बहुत बड़े बड़े ब्रोकर, मतलब ग्रुप ऑफ ब्रोकर्स कह सकते हैं, जो बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, ओके, स्पेकुलेटर्स जो पहले ही स्पेकुलेटर्स हो गए, एंड समटाइम्स इवन कंपनी इंसाइडर, और जो कंपनी के इंसाइडर लोग होते हैं जिन्हें कंपनी की नॉलेज हमसे ज़्यादा होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन कोई पता होती है तो उन्हें सबसे पहले पता होती है। अगर हमें पता चले कि रिलायंस का शेयर कल भागने वाला है तो हमसे पहले किसे पता चलेगी, हमसे पहले उन्हें पता चलेगी जो इनसे, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी को ओन कर रखा है, कंपनी को ऑपरेट करते हैं, उन्हें पर जल्दी पता चलेगी। तो वो भी उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो वो भी इनसाइडर, मतलब वो कंपनी के अंदर ही उस शेयर को घुमा सकते हैं, ऊपर ले भी जा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन है। तो सिंपली भाषा में कही जाए तो ऑपरेटर वो लोग होते हैं जो बड़े अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं और जो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मार्केट को ऊपर और नीचे कभी भी ले जा सकते हैं। तो आइए होता क्या है तो आज बात कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ओके। अब इसमें होता क्या है कि एक मछली है, मछली है, ओके, और ये हो गया एक आदमी। तो ये आदमी अगर बात की जाए तो इसे कह सकते हैं हम ऑपरेटर, कि ये एक ऑपरेटर है, ओके, और इसे फंसाना है, एक से एक मछली पकड़नी है। और मछली कौन हो गए, मछली हो गए रिटेल इन्वेस्टर। ये मछली रिटेल इन्वेस्टर है, ओके, इसे, और ये आदमी ऑपरेटर है और इसे फंसाना है। और वो फंसाएगा किससे, क्योंकि मछली को फंसाने के लिए क्या चाहिए होता है, बेट चाहिए होता है, कोई कुछ चीज़, मतलब कोई दाना वो उसमें लगाएगा तभी तो मछली फंसेगी। और दाना क्या है, दाना सिंपल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, लालच। लालच उसने दिखा दिया, ओके, उसने डर दिखा दिया, ओके, उसने प्रॉफिट दिखा दिया। तो डर और प्रॉफिट दोनों की बातें अलग अलग पैमाने पर करेंगे, कहाँ पर डर काम आता है, कहाँ पर लालच काम आता है। तो यहाँ पर अभी एक हम लालच की बात कर लेते हैं। तो ये जो बेट है वो लालच है, ये रिटेल इन्वेस्टर है, ये ऑपरेटर है। अब होगा क्या कि इसे अगर मछली पकड़नी है तो इसने समुद्र में अपना ये मछली पकड़ने वाला ये फेंका, ओके, बेट डाला, मछली इसके पास आई, सोचेगी खाना खाना है, और बट ये दाना देख के ये फंसा लेगा और फंस के निकल जाएगा। तो होता क्या है कि ये छोटे छोटे जो शेयर्स होते हैं जिसमें हमें
हम क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इंटरनली पूरी की पूरी उस फंडामेंटल एनालिसिस तो करते नहीं है, हम समझते नहीं है। बट अगर शेयर भाग रहा है तो हम उसके पीछे भागे चलते हैं, अगर शेयर गिर रहा है तो हम डर जाते हैं। ओके, तो होता क्या है कि अगर छोटे शेयर, पैनी स्टॉक जिसे कहते हैं, जो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के होते हैं, उसमें रिटेल इन्वेस्टर बहुत इमोशनली होते हैं, शेयर बाजार से ज़्यादा अटैच होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से वो छोटे 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 शेयर्स में अपना पैसा लगाते जाते हैं, और छोटे छोटे शेयर में पैसा लगाने की वजह से क्या होता है कि वो उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, बट छोटे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। तब वो कुछ शेयर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा, देखिए इस तरीके से वो मैनिपुलेट कर देते हैं। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया देखिए, 5 साल का यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो 5 साल का आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितनी बार इस शेयर्स को मैनिपुलेट किया है इन्होंने, तो आपको देख रहा होगा कि 3 साल पहले, मतलब 2016 में जियो आई थी। ओके, उसके अलावा यहाँ पर इनके ऊपर केस भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इन्हें इन्हें 10 साल की मोहलत भी दी है पैसे लौटाने के लिए। तो होता क्या है कि एक तो इनके कस्टमर्स जियो के पास जा रहे हैं, तो ये शेयर्स को जो ऑपरेटर होते हैं, देखिए पहले जैसे बैड न्यूज़ आती है तो शेयर तो गिरना ही है, कोई भी बड़े से बड़ा शेयर हो वो गिरते ही है, बट गिरने के बाद अगर बैड न्यूज़ चलती जाती है, ओके, और बट फिर भी ऑपरेटर क्या करते हैं, उसमें पैसा डाल देते हैं, पैसा डालते हैं तो मार्केट भागने लग जाती है, और मार्केट जब भागने लग जाती है तो होता क्या है कि छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहते हैं चलो 43 रुपये आज वोडाफोन आइडिया 43 में मिल रहा है, तो 43 में वो उस शेयर को खरीदने के लिए भाग जाते हैं, 43 में खरीदते हैं, 44 में खरीदते हैं, 50 में खरीदते हैं, 60 में खरीदते हैं। ओके, और होता क्या है कि सर जब यहाँ पर तो उन्होंने खरीद लिया, और खरीद 44 पे उन्होंने, 41 पे उन्होंने खरीदा ऑपरेटर्स ने, और धीरे 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 मार्केट को ऊपर लाते रहे, और जैसे ऊपर लाते रहे मार्केट ऊपर गई तो 72 रुपीज़ पर ले लिया रिटेल इन्वेस्टर ने कि भाई भाग रही है, 44 से 70 हो गया, चलो आज खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने खरीदा तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, डंप करना शुरू कर देते हैं, और फिर लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगते जाते हैं, और फिर गिरने लग गया, फिर दोबारा वो सेम सेम काम करते हैं, दोबारा जब नीचे प्रॉफिट यहाँ पर वो निकल गए, और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके वो निकल गए, और जैसे ही शेयर फिर नीचे आया फिर दोबारा शुरू ही उनका सेम काम हो जाता है, और सेम काम करके फिर मार्केट को ऊपर पहुँचा देते हैं, और ऊपर पहुँचा के फिर डंप करना शुरू कर देते हैं, और डंप होते 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 शेयर कितने का बचता है, 7 रुपये का बचता है। ओके, और आज भी अगर ये यहाँ पर 7 रुपये पे अगर यहाँ पर ऑपरेटर काम करना चाहेगा, ओके, वो धीरे 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 10, 12, 13 रुपये पे ले आएगा, और 13 रुपये पे लाते लाते फिर इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर फिर इसमें फंस जाएंगे, और फंसते ही साथ यहाँ से निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा, और फिर वो फिर डंप कर देंगे। तो ये इस तरीके से यहाँ पर शेयर मार्केट में ये लोग काम करते हैं, और फिर ये शेयर्स ना आप बेच भी नहीं सकते। तो काम क्या होता है, ये सर्किट में काम चलता है, ये लोअर सर्किट अपर सर्किट में ये छोटे छोटे शेयर्स होते हैं, ये काम करते हैं। येस बैंक हो गया, येस बैंक में किस तरीके से देखिए, यहाँ 5 साल में न्यूज़ आ रही है बेकार शेयर है, फिर भी यहाँ पर लोग देखिए यहाँ पर लिया होगा, फिर ये उसे भगाया 300-400 पे तक लेके आए, फिर देखिए किस तरीके से डंप किया, फिर यहाँ पर आया 180, और फिर यहाँ पर 200-300 पे ले, पता चल रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, फिर भी नहीं भाग, फिर भी इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे ही बढ़ता जाएगा जब फिर ऑपरेटर अपना काम शुरू करते हैं, और ये फिर डंप करते जाते हैं। तो अभी तो येस बैंक को डंप करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता ही है कि अगर आपने 100 शेयर खरीदोगे तो केवल 25 शेयर बेच सकते हैं, बाकी 75 शेयर आपके 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, आरबीआई ने ये ऑलरेडी रूल निकाला हुआ है। तो ये छोटे जो शेयर्स होते हैं, जो पेनी शेयर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो ये सारे के सारे जो कि शेयर्स होते हैं ये इसी तरीके से चलते हैं, मोस्टली इनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट इसमें चलते रहते हैं, और ये बढ़ते रहते हैं, ऑपरेटर अपना काम करते रहते हैं, रिटेल इन्वेस्टर फंसते रहते हैं, वो पैसा गंवाते रहते हैं, और पैसा गंवाने के बाद भाग जाते हैं। इसलिए मेरी कभी भी आपने वीडियो देखी होगी तो मैं ऑलवेज आपसे बताता हूँ कि अगर पहली बात तो फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर पेनी स्टॉक भी हो तो छोटा सा स्ट्रांग होना चाहिए पेनी स्टॉक फंडामेंटली, और ऊपर से वो आपका इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना, छोटा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 100 रुपये, 200 रुपये, ताकि अगर कल को लॉस भी हो गया तो आपको कुछ फ़र्क ना पड़े। और पैसा कैसे बनाना है उसके लिए तो ऑलरेडी मैं आपको डेली वाइज वीडियो लाता रहता हूँ। देखिए देखिए लोअर सर्किट डेली यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहा है, 5 डेज का देखिए लोअर अपर सर्किट लोअर सर्किट अपर सर्किट लोअर सर्किट, तो ये स्टॉक्स सर्किट्स में भागते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी होती है,
इनका फ्यूचर कुछ है ही नहीं, ये आरकॉम चलेगा ही नहीं, इनका जियो कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, एयरटेल बैठा हुआ है, तो ये कंपनियां नहीं चलेगी, तो इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये केवल आपको फंसाने के लिए है, कल को ये फिर 4-5-6 रुपए पे ले आएंगे और फिर आपको डंप कर देंगे। देखिए क्या ये कुछ 85-80 पैसे पे कंपनी चल रही थी और किस तरीके से 3 रुपए तक लेके आए, आपको लगेगा 2 रुपए ही है, बट इसमें कितने लोगों ने करोड़ों की क्वांटिटी उठा के करोड़ों रुपए बना के ऑपरेटर निकल गए होंगे और आप यहाँ पर फंसे गए, और फिर ये देखिए डंप करते गए लोअर सर्किट पर, लोअर सर्किट और लोअर सर्किट पर लग रहा है, तो आप इसमें निकल भी नहीं सकते, जब तक ये नॉर्मल नहीं चलेगा तब तक आप निकल भी नहीं सकेंगे। तो होगा क्या कि रिटेल इन्वेस्टर इसमें शेयर में आपको फंसाते हैं। ऐसी आलोक इंडस्ट्री का देख लीजिए, डेली डेली लोअर सर्किट, डेली अपर सर्किट, अभी तो यहाँ पर नॉर्मल चल रहा है बट इतने दिन से देखिए अपर सर्किट लोअर सर्किट ये काम चल रहा था, यही अच्छे अच्छे शेयर्स में इसी तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं। अब बड़े शेयर्स में कैसे करते हैं, यहाँ पर तो इन्होंने लालच दिखाया छोटे शेयर में, अब बड़े शेयर्स में ये दिखाते हैं फियर, और फियर इनका कैसे काम करता है, फियर काम करता है इस तरीके से। देखिए अच्छा शेयर, बहुत बेहतरीन शेयर कि आप और लेके रखेंगे तो आपको देखिए क्या प्रॉफिट दिया इसने पैंडामिक से लेके अगर अभी तक भी देखें तो लगभग 76, और इसके रिजल्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर इनका रिजल्ट आया था लगभग 400 के अबाउट ये शेयर चल रहा था, सॉरी 4000 के अबाउट ये शेयर चल रहा था, और इनके रिजल्ट आए थे 118% का इनका नेट प्रॉफिट हुआ था उस टाइम, और हुआ क्या था कि नेट प्रॉफिट तो हुआ बट ऑपरेटर ने यहाँ पर गेम शुरू कर दिया, उन्होंने अपने शेयर बेचना शुरू कर दिए, फियर दिखाना शुरू किया, फियर जब दिखाते हैं और जब 4000 का शेयर 3900 पे आता है, 3800 पे आता है, 3700 पे आता है, तो क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर डर जाते हैं, फियर उन्हें खा जाता है और फिर वो शेयर निकल जाते हैं, और वो ऐसे शेयर्स में फिर नीचे से एंट्री करते हैं, ओके, और रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं अच्छे शेयर से और अपना पोर्टफोलियो भर लेते हैं बेहतरीन शेयर से। तो बड़े शेयर्स जो अच्छे शेयर्स हैं उसे कभी मत बेचो, क्योंकि ये शेयर आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं, ये शेयर आपको बहुत अच्छी तरीके से पैसा कमा के देने वाले हैं। अब डिफीट कैसे कर सकते हैं, ओके, ये तो हो गई कहानी पूरी कि किस तरीके से वो बड़े शेयर्स में फंसाते हैं फियर दिखा के, ओके, ऊपर जो आपका अच्छा शेयर है उसे गिराते जाएंगे और आपके के पोर्टफोलियो से फियर दिखा के निकालते रहेंगे, और जो बेकार शेयर है छोटे छोटे शेयर से आरकॉम जैसे, इनमें आप क्या करेंगे कि आप इन्वेस्ट करते जाएंगे ऊपर तक ले जाएंगे डंप कर देंगे और फिर आप वहाँ ऊपर लेवल पर फंस जाएंगे, और कब जाके वो होगा या नहीं होगा वो आपका पैसा डूब गया, समझिए। तो ये तो हो गया नॉर्मल कि छोटे शेयर में किस तरीके से करते हैं, बड़े शेयर में कैसे, अब इन्हें डिफीट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा रूल है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको इन्हें डिफीट करना है तो सिंपल याद रखिए कि मेंटेन पोजीशन इन गुड स्टॉक फॉर लॉन्गर टाइम ऑलवेज। अब लॉन्गर टाइम और स्टॉक्स की बात चल रही है तो मैंने ऑलवेज आपको बताया कि अच्छे स्टॉक्स, मैंने मेरे आप वीडियोज़ देखते होंगे अगर स्टॉक मार्केट के हमारे ये बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में, तो देखिए मैं ऑलवेज आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताता हूँ, डेट फ्री स्टॉक्स अच्छे अच्छे आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैंने आपको बेहतरीन एक से बढ़कर एक स्टॉक्स बता रखे हैं, तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करिए, क्योंकि तो अगर छोटे टाइम में अगर ब्रिटानिया में भी आपने देखिए 4000 पे किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा और अभी चल रहा है 3700 पे निकलवा दिया, बट अगर आप यहाँ पर अटके भी हुए 4000 पर भी अटके हुए तो क्या होगा कि आप यहाँ पर अपनी पोजिशन को होल्ड करके रखिए, कितने टाइम तक वो आपके आप ये 3700 तक चलेगा, ये 3700 का शेयर आपका 4000 5000 6000 10000 पे जाएगा, और जाएगा कैसे, इसी वजह से जाएगा, देखिए नीचे जाता है ऊपर जाता है, नीचे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये बट फिर भी आप देखेंगे टॉप टू बॉटम टू टॉप इनकी लाइन सीधी ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी, इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे शेयर्स में लंबे टाइम के लिए बने रहिए तो आपको कुछ नहीं होगा। जैसे रिलायंस हो गया, देखिए ऊपर से नीचे, देखिए गिरावट में सब गिरते हैं, ओके, बट अगर ऑपरेटर इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आप अपनी होल्डिंग बना के रखिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए 52 की खाई कितना है, 2370 किसी ने तो खरीदा होगा, तो उससे भी कहना ये है कि अगर 2370 पे भी किसी ने खरीदा कोई घाटा नहीं है, लंबे टाइम तक रहिए, लंबे शेयर अपनी पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखिए, कोई भी आपको इन शेयर से निकाल नहीं सकता। और ये रिलायंस जो है आपको जियो का रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इनका जो बिज़नेस है, जियो का जो इनका बिज़नेस है, ये आगे चल के बढ़ने वाला है, ओके, और आपको अच्छा ही प्रॉफिट देगा। तो ये फियर और लालच, ये दो तरीके से काम करके ऑपरेटर आपके शेयर्स को, आपके पैसे को ख़त्म कर देते हैं,
ओके, और आप 6 शेयर्स को आपके पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं ताकि आपको घाटा हो किसी ना किसी तरीके से। अच्छे शेयर्स में भी आपको लॉस करवा देते हैं और छोटे शेयर में भी लॉस करें। तो अगर आपको इनसे डिफीट करना है, आपको इनसे बच के रहना है और अच्छे पैसे कमाने हैं, तो लॉन्ग अच्छे शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपको पैसा डेफिनेटली बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आएगा। तो आज की वीडियो ये ऑपरेटर के ऊपर थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हम तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास मैं डेली बेसिस पर लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।